मम्मी सब कैसे हैं? अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग होगी सबकी। कल आपने बोला था माता पिता के पैर जुड़ने से उठ के अभ्यास करा, याद रहे कि भूल गए? प्रातःकाल उठ के अपने पृथ्वी माता के और माता पिता के चरण स्पर्श करना है। सबसे प्रथम गुरु अपनी कौन है? माँ है। माँ अपन को उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, माता पिता वही हमें भोजन करना सिखाते हैं, है ना। सर्वप्रथम अपने गुरु माँ है, तो माँ का हमेशा कहना सुनना, उनकी बातों की आज्ञा का पालन करना है, जी करके बोलना है, चिल्ला के नहीं बोलना है, बहुत अच्छे से बोलना है। जो माता पिता का आदर नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमेशा माता पिता का आदर करना, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर आज 70। कल अपन ने 6 लाइन पढ़ी थी, सबको याद हो गई है, पढ़ना आ गया है कि नहीं आया? नहीं आया, आ गया। अच्छा, कुछ को आ गया कुछ को नहीं आया, तो सबको अभ्यास करना है। अभ्यास करने से सारे कार हो जाते हैं। बार बार कोई भी चीज की कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोई भी कोशिश करो काम करने की, पूरा हो जाता है बेटा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, पहले ऊपर की 6 लाइन वापस पढ़ेंगे, रिवियर करेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। सुमन जामुन खा, जामुन आते ना काले काले गर्मी में, फिर पूर्ण विराम। चूहिया जुराब काट गई, सुमन से कह रहे देखो चूहिया जुराब काट गई, तो आप लोग से भी हम कहते हैं कि अपनी चीज प्रॉपर जगह पे रखो। स्कूल जा अभी तो नहीं जा रहा है, स्कूल से आते हो जब शूज अपनी जगह पे रखना, बैग जगह पे रखना है, ड्रेस अपनी एक जगह टांगना है, इस तरह से अभी सहमत बनो, अपनी चीजें अपनी व्यवस्थित जगह पे रखिए। फिर चूहिया जुराब काट गई, अब यहाँ पड़ा था चूहिया खा गई काट गई जुराब। मुनमुन की बुआ आई, मुनमुन की कौन आई? हम क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे, मुनमुन की कौन आई, क्वेश्चन बनाएंगे हम इस पार्ट में से, तो आपको लिखना पड़ेगा मुनमुन की बुआ आई। फिर एक बगुला साथ लाई, हम पूछेंगे बुआ क्या साथ में लाई? तो बुआ बगुला साथ में लाई, है ना, एक बगुला साथ में लाई, और बगुला भी लिखोगे वो भी सही रहेगा, एक बगुला लाई वो भी साथ में। मुसाफिर गुलाब लाया, अब क्वेश्चन है मुसाफिर क्या लाया, तो आप लिखेंगे मुसाफिर गुलाब लाया, क्या की जगह पर गुलाब लिखना रहेगा। कुसुम चुटकुला सुना, फिर पूर्ण विराम। वह रामपुर का निवासी था, कौन था? जो बटुआ छीन के ले गया, आगे देखो, बटुआ छीन कर गया, बटुआ छीन कर गया, वो कहाँ का निवासी था? रामपुर का, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे अपन, वह कहाँ का निवासी था? रामपुर का। बुलबुल आई, पूर्ण विराम। बुलबुल का गाना सुन, चुनरी चुनरी पर साबुन मल, अब हम पूछ लेंगे किस पर साबुन मल, आपको लिखना पड़ेगा चुनरी, है ना, पर साबुन मल। सुराही सुबह सुबह भर, सुराही कब भर, तो आपको लिखना पड़ेगा सुबह सुबह। तो पाठ अच्छी तरह से पढ़ना सीखना है, इसमें से हम क्वेश्चन आंसर भी अभी देंगे, अभी तो पाठ पढ़ाना सिखा रहे हैं। अब इसके जब हम पूरा हो जाएगा अपना फर्स्ट टर्म का सिलेबस, तो हम उसको मॉडल पेपर देंगे आपको कि क्या क्या याद करना है, क्या क्या पढ़ना है, इस तरह से। चलिए तो अपन इतना पढ़ लिया था, अब आगे देखिए, हमने आप बुक बुक रखोगे बोर्ड पे लिखा है, चलिए पढ़ेंगे। मंजन करते हैं दातून, उसको कहते हैं जिससे बन जाएगा दातून। चावल चू और चुप पे रहे, कैसे रहना है अपन को? चुप रहना है, ज्यादा नहीं बोलना, पढ़ाई के टाइम भी इसलिए बताया है चुप रहे। चलिए आप चुप रहे, सेकंड लाइन देखो, बक बक मर कर, बक बक
मनु की गुड़िया कैसी थी क्वेश्चन करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, मनु की गुड़िया गुलाबी थी। नेक्स्ट टाइम आपको पूरा पाठ पढ़ना सीखना है अच्छे से। अपने वीडियो पेज नंबर 17 कंप्लीट हो गया, आप कल पढ़ेंगे अपन पेज नंबर 18 जिसमें अभ्यास है। और हम फिर से याद दिला दें आपको, एक वीडियो बनाना है 2 मिनट का और उसमें नरसिंहगढ़ का प्राकृतिक दृश्य, नरसिंहगढ़ का अभी प्राकृतिक दृश्य कैसा है उसके बारे में 5-6 वाक आप अपने मन से बोलिएगा। 2 मिनट का वीडियो बना के स्कूल के मोबाइल पर व्हाट्सएप करिए, 2 मिनट का केवल, ज्यादा नहीं। हम आपको एक डेट फिक्स कर देंगे, मैसेज कर देंगे, उसी डेट पर भेजना है। अभी से आप तैयारी करें, ठीक है, बाय, थैंक यू।